Good morning, dear students. Today we will study page number 61 of lesson 7. Here the topic is Let's Write. The question is, look at these pictures and fill in the blanks from the words given in the box. यहाँ पे बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन पिक्चर्स को देखकर आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरने हैं. पिक्चर्स को देखना है, वर्ड्स को लेना है और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. ठीक है, तो हम आते हैं पहले सेंटेंस पे. अब हम सेंटेंस को देखने से पहले इन वर्ड्स को देख लेते हैं. ठीक है, तो पहला वर्ड है रिवर. रिवर का मतलब होती, रिवर का मीनिंग होता है नदी. ठीक है, सेकेंड है पाउंड. पाउंड का मतलब होता है तालाब. थर्ड है सी. सी का मतलब होता है समुद्र. फोर्थ है लेक. लेक का मतलब होता है झील. ठीक है, तो अब हम आते हैं सेंटेंस पे. तो पहला सेंटेंस है द शिप इज सेलिंग ऑन द सी. तो इस तरह से हम यहाँ पे इसमें सी लिख देंगे, एस ई ए सी. सी का मतलब होता है समुद्र. सेकेंड सेंटेंस है द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन. ठीक है, हम सेकेंड नंबर के सेंटेंस में रिवर लिखेंगे. अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. तो थर्ड क्वेश्चन है द डक इज स्विमिंग इन द, यहाँ पे हम लिखेंगे द डक इज स्विमिंग इन द लेक. बत्तख जो है झील में तैर रही है. फोर्थ सेंटेंस है द फ्रॉग लिव्स इन द, अब ये मेढक कहाँ रहता है, तो मेढक जो है तालाब में रहता है और तालाब की इंग्लिश होती है पाउंड, जो कि आपके बॉक्स में लिखा हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ पे पाउंड लिख देंगे, पॉन्ड. ठीक है, द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड. अब हम एक बार फिर से इसको रिविजन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है द शिप इज सेलिंग ऑन द सी. सेकेंड सेंटेंस है द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन. थर्ड सेंटेंस है द डक इज स्विमिंग इन द लेक. ठीक है, और फोर्थ सेंटेंस है द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड. इस तरह से हमने इसे आज कंप्लीट कर लिया. ठीक है, होमवर्क में जो है आपको ये बनाना है. आपको होमवर्क को मज़ेदार बनाने के लिए मैं एक उपाय बताती हूँ. ठीक है, आपको होमवर्क में सिर्फ सेंटेंस नहीं लिखने हैं, ये फिगर्स भी बनाने हैं इन बॉक्स के साथ. ठीक है, और आप इसे घर में ट्राई कर सकते हैं. इन प्यारे प्यारे फिगर्स को आप बना के, पहला फिगर एक जहाज का जो कि पानी में तैर रही है. पानी कौन सी, समुद्र की पानी. ठीक है, समुद्र का वाटर. ठीक है, सेकेंड फिगर है पहाड़ है और नदी है. पहाड़ से नदी निकल रही है, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस लिखा हुआ है. तो इस तरह से अगर आप फिगर को देखते हुए अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको ज़्यादा रोचक बनाएगा आपके होमवर्क को. ठीक है, तो आप इन फिगर्स के साथ आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड फिगर में एक डक है, बत्तख है और वो झील में तैर रही है. पहाड़ बने हुए हैं, हरे हरे घास हैं. ठीक है, और फिर हम फोर्थ फिगर में देख रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा मेढक है जो कि किसी पत्ते पर बैठा हुआ है. और फिर यहाँ भी थोड़े से पहाड़ पहाड़ी टाइप के हैं और हरे हरे घास हैं. इस तरह से आप इन फिगर्स के साथ इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 61 कंप्लीट कर लिया और हमारा ये लेसन 7 भी कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. टिल देन आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और हो सके तो ये फिगर के साथ कंप्लीट करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.